नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर सबसे फिर से आप सबका यूट्यूब चैनल में। और आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो लेज़र के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। लेज़र जो है कई जगह पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे क्लास 11th का हो वहाँ पे आपको ज़रूरत लगेगी। अकाउंट से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ज़रूरत लगेगी। BBA BCOM आप कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, वहाँ पर इसकी ज़रूरत लगेगी। SSC CGL वगैरह का एग्ज़ाम अगर आपका है तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत लगेगी। बेसिकली है क्या, बहुत सिंपल सरल शब्दों में समझते हैं, हमको एक्चुअली कहीं पे खाता बनाने नहीं बैठना है, हमको बस इतना पढ़ना है जितना हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारा मामला क्लियर हो जाए। लेजर क्यों बनता है, क्या बनता है, कैसे बनता है, बड़े सीधे सरल शब्द में बताते हैं। खाता बनता जो है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, डबल एंट्री सिस्टम में हमने सीखा था कि एटलीस्ट दो ट्रांजेक्शन, दो अकाउंट्स उसमें जो है एफेक्ट होते हैं, यानी कम से कम दो अकाउंट ऐसे होंगे जिन पे असर पड़ रहा होगा किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, तो हम उसकी एंट्रीज जर्नल एंट्री या बुक वगैरह में हम एंट्री करते हैं। सिंपली अब ये हमारा जो लेज़र का कॉन्सेप्ट है ये क्या कह रहा है, लेज़र का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हैं, जर्नल एंट्री वगैरह हुई हैं, वहाँ पर हर खाते का एक इंडिविजुअल आपको पूरा लेखा जोखा देना। जैसे कि हम बहुत सारे एंट्रीज किए, कोई परचेज किए, किसी से उधार लिए फिर दिए, तो उसके बारे में समरी क्या है, समरी ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। अब पर्टिकुलर अकाउंट की समरी क्यों आवश्यक है, आप किसी के साथ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, किसी से आपने उधार लिया, आपने उसको कुछ पैसे दिए, पूरे पैसे नहीं मिले, एक दिन वो आया कहा कि मेरा इतना बकाया है, तो अब आप उसको चेक करोगे कि कितना एग्जैक्ट बकाया है। इसके लिए आपके पास उस पर्टिकुलर आदमी का जो अकाउंट होगा उसकी एग्जैक्ट समरी होनी चाहिए। जैसे आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हो, तो बैंक के पास कई लोग हैं ना, सबका खाता है, लेकिन बैंक सबका खाता अलग अलग बनाती है ना, कितना पैसा आया, कितना गया, SMS चार्ज कितना लगा है, ट्रांजैक्शन चार्जेस कितने लगे, मिनिमम बैलेंस का चार्जेस कितना लगा, इंटरेस्ट कितना मिला, ये सारी चीज़ें जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं जितने हैं, जो भी रिलेटेड आपसे होंगे, उन सबका जो आपका खाता होता है वहाँ पे क्या होती है, सारी एंट्री होती है। लेजर का काम यही है। अब सिंपली हमको कुछ भी नहीं करना है। लेजर का कॉन्सेप्ट क्या है, लेजर का कॉन्सेप्ट बड़े आसान सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, जो पूरा ट्रांजेक्शन अगर हमको सीखना होगा तो वो हम एक ही बहुत सरल लाइन में हम सीखेंगे। अब उसको हम सीखें उससे पहले हम ये देखें कि लेजर का जो है फॉर्मेट क्या होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, बल्कि एक कॉमन फॉर्मेट है, चाहे जो भी अकाउंट हो उसी कॉमन फॉर्मेट में वो सारे अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन होंगे। तो सबसे पहली चीज, एक चीज आप जान के चलिए कि हम हमेशा जो है कोई भी जो ट्रांजेक्शन करेंगे जिसका भी लेजर बनेगा, उसको सबसे पहले टी शेप में हाफ में बांट लेंगे। टी शेप में हाफ में बांटने का मतलब ये आधी साइड डेबिट के लिए हो जाएगी और आधी साइड क्रेडिट के लिए हो जाएगी, यानी डेबिट और क्रेडिट हमारे क्या हो गए, इक्वली बराबर हो गए, बराबर बांट लिए। ठीक, अब भाई साहब सबसे पहले आप ये चीज बताओगे किसी भी ट्रांजेक्शन में कि भैया तारीख क्या है, किस तारीख को कोई ट्रांजेक्शन, कोई इवेंट हुआ, डेट तो पता होनी चाहिए ना। तो सबसे पहला जो कॉलम होता है वो हमारा डेबिट साइड में भी डेट और क्रेडिट साइड में भी डेट। दूसरी चीज है, आपने डेट बता दी, अब आपको ये बताना होगा कि किस वजह से हुआ है। ठीक, या कौन सा अकाउंट है जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर आप अकाउंट बना रहे हो वो किसकी वजह से उसमें कोई इफेक्ट हुआ है। तो डेबिट साइड में हम 2 लगाते हैं और 2 लगा के वो पर्टिकुलर जो है वजह हम बताएंगे। तो यहाँ तो अभी हम हेडिंग के तौर पे पर्टिकुलर ही डाल लेते हैं, पर्टिकुलर। फिर आपको क्या बताना होगा साहब, फिर आपको बताना ये होगा कि भैया अगर आप ये अकाउंट बना रहे हो तो इस अकाउंट का किसके बेसिस पे, किसके सहारे पे, किस इंफॉर्मेशन के दम पे आप ये एंट्री कर रहे हो। तो आप बताओगे साहब ये जर्नल एंट्री हमने किया है, वहां पे जो है ये ट्रांजेक्शन हुआ था उसी को हम लिख रहे हैं। तो अच्छा, इसका सबूत क्या है, तो इसका सबूत आप बता दोगे कि भाई साहब जर्नल एंट्री का जो ये पन्ना संख्या है वहां से हमने लाया है। इसका मतलब हम JF का कॉलम बताते हैं, यहां पे हम नंबर डालते हैं, और इसका मतलब क्या हो गया, जर्नल फोलियो। ठीक, जर्नल फोलियो। अब भाई साहब ये सारी चीजें कर ली, अब हमको बताना होता अंत में कि अमाउंट कितना होगा, अमाउंट यानी कितना पैसा लगा। तो हम यहां पर अमाउंट का कॉलम लगा देते हैं, किसका, अमाउंट का कॉलम, कॉलम बोलेंगे।
अब बड़े आसान शब्दों में हम लेजर पोस्टिंग बताएं, अगर आपको जर्नल एंट्री आ गई है तो लेजर सबसे आसान चीज है। लेजर में कुछ भी नहीं करना है। लेजर पोस्टिंग होती कैसी है? लेजर पोस्टिंग बड़े सिंपल सरल शब्द में हम बताएं कि अगर मान के चलिए कि हम एक जर्नल एंट्री ले लेते हैं कि किसी ने जो है बिजनेस को शुरू किया, बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से, यानी कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया और टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जर्नल एंट्री हो गई। अब हमको अगर कैपिटल अकाउंट बनाना हो, इसको अगर हम ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट है। अब आपको जितनी भी लेजर पोस्टिंग करनी है ना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस जिसका भी खाता बन रहा है तो उसको पहले पकड़ना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, किसका खाता बन रहा है? कैपिटल का। हमने सबसे पहले किसको पकड़ा? कैपिटल अकाउंट को। अब हमको ये देखना है जो कैपिटल अकाउंट है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई साहब कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब अब जो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री जाएगी वो क्रेडिट साइड जाएगी। कहाँ जाएगी भाई साहब? क्रेडिट साइड जाएगी। अब ये तो हमको पता चल गया, यानी स्टेप वन हमने क्या किया कि पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई किया। स्टेप टू हमने क्या किया? स्टेप टू में हमने देखा कि डेबिट है या क्रेडिट है। अगर क्रेडिट है तो स्टेप थ्री में हमने क्या किया, उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो कहाँ होगी? क्रेडिट साइड में होगी। अब स्टेप फोर क्या है? स्टेप फोर ये है, हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अब ये किसकी वजह से ये क्रेडिट हुई है? ये वजह हमको, यानी कैश की वजह से, कैश आने की वजह से कैपिटल क्रेडिट हुई, यानी कैश की वजह से कैपिटल क्रेडिट हुई। अगर पैसा आता ही नहीं तो कैपिटल क्रेडिट ही ना होती। यानी कैश की वजह से ये ट्रांजेक्शन अकर हुआ है, जहां पे कैपिटल क्रेडिट हुई है। तो अब ये जिसकी वजह से ये कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, उस वजह को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? कैपिटल है। तो अब एक चीज मैंने पहले भी बताया था कि डेबिट साइड में हम टू लगाएंगे और क्रेडिट साइड में हम बाई लगाएंगे। अब वो वजह लिखनी है। वजह क्या हो गई? वजह हो गई कैश अकाउंट। क्या हो गई वजह? कैश अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया भैया? 5 लाख। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। और जो यहाँ का बैलेंस बाद में होता है, बैलेंसिंग होता है, उसको हम बताएंगे कि कैसे कैसे होते हैं, अभी जब आप डिटेल में समझोगे। ये डायरेक्ट एंट्री की हमने बात कर ली। अब इसका हम जो है पूरा एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के साथ एक कंप्लीट जर्नल एंट्री प्लस हम लेजर का काम करते हैं, जिससे कि ये पूरा क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो आपके पास अभी जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको अपने स्क्रीन पे। तो हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को क्रमशः जो है आप इसको कहीं नोट कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हुए नोट कर रहे हैं, डेट वगैरह दी हुई। तो पहले जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है। कितना है? 2 लाख रुपए का अमाउंट है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का मतलब क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बिजनेस के पास कैश आया और कैपिटल जो है क्रेडिट होगी, क्योंकि कैपिटल के रूप में आया है। सेकंड ट्रांजेक्शन है ओपन द बैंक अकाउंट विद सिंडिकेट बैंक। अब हमने बैंक के साथ खाता खोला है और 80,000 दिया है। बैंक के साथ खाता खोलने का मतलब यह है 80,000 कि हम बैंक में जब गए होंगे, अपना खाता ओपन किए होंगे, तो बैंक को अपने पास हमने कैश 80,000 पकड़ाया होगा कि ये लो भाई साहब हमारा खाता खोलो और खाते में हमारे पैसा जमा करो। हम दोनों अब यहाँ पे देखो, कैश और बैंक को हम इक्विवेलेंट लेके चलते हैं। दोनों हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है और बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो यहाँ की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली जो हमारे पास जर्नल एंट्री है वो है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्रेडिट हो गया है तो क्रेडिट पे हम परचेज कर रहे हैं फ्रॉम गुलमोहर फैशन हाउस। तो गुलमोहर फैशन हाउस से हमने परचेज किया, सामान आया, स्टॉक आया हमारे पास, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, उसके बाद क्या हो जाएगा? टू गुलमोहर फैशन हाउस। गुलमोहर फैशन हाउस क्या होगा? गुलमोहर पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। गुलमोहर भाई साहब का नाम भी है, क्रेडिट पे हमने सामान लिया है, और यहाँ क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर यहाँ पे कौन है? गुलमोहर फैशन हाउस है, तो इस वजह से गुलमोहर हाउस आपके क्रेडिट हो जाएंगे। अगली जर्नल एंट्री हमारे पास है परचेज ऑफिस मशीन पेड बाई चेक।
तो ऑफिस मशीन्स हमने परचेज की है और किससे, चेक से पेमेंट की है। यानी हमने दो चीज इन्वॉल्व इसमें कर ली है, पहला मशीन आ गया, मशीन बिजनेस के पास क्या है आ रही है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन पेड बाई चेक, चेक के थ्रू हमने दिया, यानी बैंक से पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट। उसके अलावा हमारे पास क्या है, रेंट पेड बाई चेक, अगेन रेंट नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट अकाउंट डेबिट और चेक से पेमेंट किए, चेक मीन्स बैंक टू बैंक अकाउंट। फिर सर सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहित ब्रोस, अब हमने सामान बेचा है वो भी उधार बेचा है। उधार सामान बेचने का मतलब क्या हो गया, एक तो हमारे पास से स्टॉक बिजनेस के पास से जा रहा है, तो बिजनेस के पास से स्टॉक जा रहा है उसको हम सेल्स के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, तो सेल्स क्रेडिट होती है। और पैसा मिलता तो हम कैश रखते, लेकिन पैसा तो मिला नहीं है, ये हमारा क्या है क्रेडिट सेल्स है, तो हम क्या करेंगे डेबिट दी रिसीवर, रिसीवर जिसको जो रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। तो मोहित क्या है, नाम है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो मोहित ग्रॉस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर हमने क्या की है, कैश सेल्स की है। कैश सेल्स का मतलब यही सेम चीज, इसी सेम ट्रांजेक्शन लेकिन पैसे पे किया है, तो पैसा आया और हमारे पास से सामान गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश पेड टू गुलमोहर फैशन हाउस, तो हमने गुलमोहर फैशन हाउस को क्या किया है, कैश दिया है, तो क्या हो जाएगा, कैश हमने दिया है गुलमोहर फैशन हाउस को, तो गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके अलावा लास्ट एंट्री हमारे पास है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहित ब्रोस, तो अभी मोहित ब्रदर से हमने क्या किया, एक चेक रिसीव किया है, तो जब मोहित ब्रदर से चेक रिसीव किया, चेक रिसीव करने का मतलब एक हिसाब से बैंक में पैसा आएगा, तो क्या है बैंक में पैसा आ रहा है, तो क्या होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किसकी वजह से आ रहा है, तो टू मोहित ब्रोस। फिर लास्ट हमारा एंट्री है सैलरी पेड इन कैश, तो सैलरी अगेन नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है आपके पास से टू कैश अकाउंट। जनरल एंट्री पढ़ा चुके हैं इसलिए यहाँ पे एंट्री इसकी नहीं कराएं। अब हमारा जो मेन काम शुरू होता है वो लेजर पोस्टिंग का काम हमारे पास शुरू होता है, तो सबसे पहले जो हमारे पास लेजर पोस्टिंग होगी वो किसकी बनेगी, कैश अकाउंट की बनेगी। तो कैश अकाउंट की हम जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो बेसिकली सारा फॉर्मेट ना बना के एक हम अंदाजे से इसमें जो है करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा आसानी से बन पाए। चलो तो फॉर्मेट रेडी है हमारे पास, और अब हम देखना शुरू करें जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री से हमको लेजर बनाना काफी आसान होगा। तो हमारे पास सबसे पहली एंट्री क्या है जर्नल एंट्री में, 2017 की सारी एंट्रीज हैं, और डेट सबसे पहले है जून 5, 5 जून की एंट्री हमारे पास है। और सबसे पहले जर्नल एंट्री में हम क्या देख पा रहे हैं, तो सबसे एंट्री हमारी पहली है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट है। अभी हम कैश को इसलिए पहले देख लिया था, कैश जो है पहला एंट्री है, तो कैश का अकाउंट हमने लिया है, क्रोनोलॉजी से लेके चलेंगे। कैश अकाउंट सबसे पहले आ गया है, जब कैश अकाउंट सबसे पहले आ गया है तो हमको अब ये देखना है कि कैश सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है। दूसरी चीज हमको आइडेंटिफाई करनी है कैश डेबिट में है या क्रेडिट में है। कैश डेबिट में है तो कैश अगर डेबिट में है तो अब जो भी पर्टिकुलर में इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी वो डेबिट साइड जाएगी। अब तीसरी चीज हमको क्या देखना है, किसकी वजह से ये डेबिट हुई है, तो हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल की वजह से डेबिट हो पा रही है। अब यानी यहां पे एंट्री जाएगी, डेट क्या है जून 5 2017 के सारे ट्रांजैक्शन है। अब क्या करना है, 5 जून को क्या है, 5 जून को हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हुआ है, देखो डेबिट साइड में हमको 2 लगाना है सारी जितनी भी एंट्रीज होंगी, और क्रेडिट साइड में बाई लगाना है। तो अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास सबसे पहले ट्रांजेक्शन में कैपिटल की वजह से कैश डेबिट हुआ, कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में एंट्री, और क्या होगी टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब ये कितना है, अमाउंट है 2,00,000 रुपए। अब अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री हमारे पास है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यानी कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम जो एंट्री करेंगे किस साइड करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। कैश किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो कैश हमारा जो है यहाँ पे बैंक की वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो जब बैंक की वजह से क्रेडिट हो रहा है तो हम ट्रांजेक्शन में क्या करेंगे, बाई बैंक अकाउंट, और हमारे पास कितना अमाउंट है, 80,000 रुपए का अमाउंट हमारे पास यहाँ पे है। अब अगली एंट्री हमारे पास क्या है, अगली एंट्री कैश, तीसरी एंट्री में कैश नहीं है, चौथी एंट्री में कैश नहीं है, पांचवी एंट्री में कैश नहीं है, फिर सेल्स में भी कैश नहीं है, फिर हमको कैश मिल रहा है सीधे 22 जून के ट्रांजेक्शन में हमको जो है कैश मिल रहा है।
बाय जून में आप सीधे चलेंगे, कैश यहाँ पे फिर से डेबिट हो रहा है। कैश जब फिर से डेबिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश को यहाँ डेबिट साइड लेके आएंगे। कई तारीख का ट्रांजेक्शन है जून 22, कैश डेबिट है तो डेबिट साइड ट्रांजेक्शन होगा। कैश किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, तो कैश सेल्स की वजह से डेबिट हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, टू सेल्स अकाउंट। क्या हो गया, टू सेल्स अकाउंट। और कितना इसका जो है अमाउंट आएगा, वो 15,000 है, तो 15,000 दिया था, 15,000 हमने यहाँ पे कर लिया। उसके अलावा अगली एंट्री हमको देखना है, अगली एंट्री 25 जून की है, जहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड जा रहा है। कैश जब क्रेडिट साइड जा रहा है तो इसका मतलब हमारी जो एंट्री होगी वो रिकॉर्ड किस साइड होगी, वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी। और इसकी वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश यहाँ पे गुरमोहर फैशन हाउस की वजह से जो है क्रेडिट हो रहा है। तो हम यहाँ एंट्री में क्या करेंगे, बाई गुलमोहर फैशन अकाउंट। और कितना यहाँ पे स्पेस की कमी है, आप पूरा जो है नाम लिखेंगे, गुलमोहर फैशन हाउस को जो है कितना पैसा दिया गया है, तो 30,000 रुपए हमने यहाँ पे पेमेंट किया है, इसलिए ये इस हिसाब से है। देखो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अगली एंट्री में बैंक अकाउंट है, और लास्ट एंट्री में फिर हमारे पास कैश क्या है, जा रहा है सैलरी के रूप में, सैलरी की पेमेंट की है, तो कैश गया है, तो कैश क्रेडिट है, तो अगेन क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट साइड जो है इसका हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे। और ट्रांजेक्शन जब इसका क्रेडिट साइड लिखेंगे तो किसकी वजह से है, तो बाई सैलरी, बाई सैलरी ये कितना आएगा अमाउंट, तो बाई सैलरी की वजह से हमारे पास कितना आ गया अमाउंट, 6,000 रुपए हमारे पास बाई सैलरी की वजह से आ गया। अब हमको ये देखना है टोटल करके कि जो है किस साइड कितना अमाउंट आ रहा है, तो किस साइड कितना अमाउंट आ रहा है ये हमको मिलाना है। तो डेबिट साइड का भी हम देखना है, क्रेडिट साइड का भी जोड़ना है, और जिस साइड का अमाउंट ज्यादा होगा उस साइड को हम टोटल में नोट करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो डेबिट साइड का अमाउंट हमारे पास 2,15,000 है, यानी इन टोटल 2,15,000 हो रहा है, और क्रेडिट साइड का अमाउंट जो हमारे पास है वो 80,000, 30,000, 6,000 है। तो 80 और 30,000 मिला के और 6,000 मिला के 1,16,000 आ रहे हैं, यानी डेबिट साइड का अमाउंट हमारा ज्यादा है। तो अब जब ज्यादा है जिस साइड का, डेबिट साइड का, तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, यानी बराबर रहना चाहिए। बराबर कैसे रहना चाहिए, देखो भाई बैलेंसिंग यहाँ कर रहे हैं ना, कितना टोटल हमने चढ़ाया, 2,15,000, 2,15,000, और इधर का बैलेंस कितना होगा, 2,15,000, लेकिन इधर 2,15,000 तो है नहीं। तो भाई साहब जब 2,15,000 इधर है नहीं, तो इसी को हम 2,15,000 यहाँ पे करेंगे। अब करने का मतलब कैसे हो गया कि जो दिख नहीं रहा है वो ये है कि हमारे पास इतना पैसा अभी बचा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, जून 30 को हम क्या करेंगे, आखिरी दिन है महीने का आखिरी दिन ही आप क्लोज करते अकाउंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई साइड। और ये जो पैसा बचा है इसको हम क्या बोलेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन, यानी हमारा ये बैलेंस जो है बचा हुआ है, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, यानी ये आगे बढ़ाया जा रहा है, कैरी आगे किया जा रहा है, ठीक है, इसके नीचे कैरी डाउन। अब कितना होगा भाई साहब, इधर 2,15,000 है, इधर हमारे पास कितना है, 1,16,000, तो 2,15,000 में से 1,16,000 अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना आया, 2,15 में से 1,16 घटाने का मतलब हमारे पास 99,000 रुपए का बैलेंस बचेगा। कितने का बचेगा, 99,000 रुपए का बैलेंस हमारे पास बचेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो पूरा इसका कैश का अकाउंट है ये कंप्लीट हो गया। और एनसीईआरटी से भले मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी के अकाउंट्स जो है, जो पर्टिकुलर इसमें कई चीजें दी हैं, गलत दी हुई हैं, गलत या मिसलीडिंग दी हुई हैं। जैसे आप यहाँ पे एनसीईआरटी में इसका जब क्वेश्चन देखोगे, तो एनसीईआरटी में इसका जो है अभी टोटलिंग नहीं किया गया, वो ये कह के टोटलिंग नहीं करते हैं कि खाता जो है महीने महीने नहीं क्लोज किया जाता है, इसको साल में क्लोज किया जाता है। लेकिन देखो भाई साहब, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी जब ये नहीं दिया गया है, जैसे कि कोई भी नहीं दिया कि अकाउंट कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, तो इसलिए हम इन चीजों को जो है इसी हिसाब से लेके चलेंगे। हालांकि इसमें इन्होंने कहा है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का मतलब कि बिजनेस अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से इसको बैलेंसिंग करके रखेंगे हर महीने के हिसाब से, जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन होगा, महीने के हिसाब से नहीं भाई साहब, जितने ट्रांजेक्शन आपके पास होंगे आप अंत में उसकी बैलेंसिंग कर लेना अगर आपके एग्जाम में आती है, क्योंकि एग्जैक्ट बैलेंस ही पूछा जाता है, उसको जानकारी चाहिए। बाकी तो साल में ही अंत, साल के अंत में ही खाता क्लोज किया जाता है। उसके अलावा कुछ और जानने की चीजें हैं। अब आपको ये कैसे पता चला कि कैश हमारे पास, ये कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड बचा है, जो एक्सेस पैसा है, तो एक चीज आप जान के चलो कि आपने कैश बिजनेस को दिया था, यानी बिजनेस के पास पैसा आया था। इधर आप ये देख पा रहे हो कि इधर जितनी चीजें हैं वो ऐसी चीजें हैं कि आपको जो पैसा मिल रहा है, यानी ये मिलने का साइड है,
और ये पैसा खर्चे का साइड है। तो एक बात आप बताओ, आपको कुछ पैसा मिला होगा, आपने कुछ पैसा खर्चा किया होगा। अगर मिलने और खर्चे में मिलना ज्यादा है और खर्चा कम है, तो यानी आपके पास कुछ पैसा बचा हुआ है, तो वही ये बचा हुआ पैसा जो है यहाँ पे बैलेंस हम कैरेट डाउन के रूप में करते हैं, और ये फिर अगली बार जो है यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा, और फिर जो है पूरा उस हिसाब से ट्रांजेक्शन शुरू होगा। अब एक और इसके आगे का हम जो है ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन क्या इसके आगे का अकाउंट देखते हैं कि इसके आगे हम कौन सा खाता बनाते हैं। तो इसके आगे हम देख पाते हैं फिर पहली जर्नल एंट्री में चलते हैं। पहली जर्नल एंट्री हमारी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यानी कैश के तो हमने पूरे अकाउंट बना लिए, और पूरे जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उसमें कैश कहाँ कहाँ है, कितना कितना है, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब बारी कैपिटल अकाउंट की है, तो कैपिटल अकाउंट की जब बारी है तो अगेन वही सेम फॉर्मेट बनेगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, लेकिन यहाँ पे पूरा पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं डाल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से उतरेगा, आप इसको समझ लीजिएगा, बार बार जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सीधे हम चलते हैं, तो एंट्री क्या हुई है, एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब हमको आइडेंटिफाई करना है कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है तो अब कैपिटल अकाउंट किस साइड है, कैपिटल अकाउंट जो है हमारा वो क्रेडिट साइड में है। किस साइड में है, क्रेडिट साइड में। इसका मतलब जो एंट्री होगी वो कहाँ होगी, क्रेडिट साइड होगी। तो क्रेडिट साइड होगी तो जून 2017 का 5 जून 2017 है, तो हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा इसी डेट का है, जब इस डेट का ट्रांजेक्शन है। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमारे पास जो कैपिटल है वो क्रेडिट साइड है, तो किसकी वजह से क्रेडिट साइड है। तो हम देख पा रहे हैं कि कैश अकाउंट डेबिट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, यानी कैपिटल जो क्रेडिट हुई है वो कैश की वजह से हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाई कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, बाई कैश अकाउंट की वजह से ये हुई है 2 लाख। अब इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि पूरे जनरल एंट्री में हमारे पास कहीं पे भी कोई भी जो ट्रांजेक्शन है वो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कहीं पे भी नहीं है। जब कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, इसका मतलब यही आखिरी ट्रांजेक्शन था। तो अब इसका हम टोटलिंग कर देंगे, टोटलिंग जब हम करेंगे इसका तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे 2 लाख है, तो इस साइड कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यही बैलेंस बचा रह गया। तो हम यहाँ पे 2 लाख इसका टोटल कर देंगे, लेकिन ये टोटल होगा कैसे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, यानी ये बचा हुआ रिमेनिंग बैलेंस है जो कैरीड डाउन हो जाएगा। तो ये 2 लाख रुपए हो गया। अब हम देख पा रहे हैं डेबिट क्रेडिट साइड हमारा इक्वल है, 2 लाख इधर 2 लाख उधर। अब इसके आगे हम अगली एंट्री क्या करते हैं, अगली एंट्री हम देखते हैं जर्नल एंट्री हम देखते हैं। तो अगली एंट्री हमारे पास क्या है, जर्नल एंट्री में अगली एंट्री हमारे पास है वो है तीसरा जो अकाउंट बनेगा वो बैंक अकाउंट है। देखिए तो बैंक अकाउंट जब बनेगा तो बैंक अकाउंट का जो है हम लेखा जोखा शुरू करते हैं। तो बैंक अकाउंट का जब हम लेखा जोखा शुरू करेंगे तो फिर इसी फॉर्मेट का सेम फॉर्मेट में हमारा क्या है, बैंक अकाउंट बनेगा सेम तरीके से जैसे अभी तक की सारी एंट्रीज हुई हैं। तो अब बैंक अकाउंट में आप देखिए बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ पे है, तो हम देख पा रहे हैं कि बैंक अकाउंट कई जगह है हमारा, और जब कई जगह है तो उसकी मल्टीपल एंट्रीज होंगे, और सेम फॉर्मेट में सेम सब कुछ डेट पर्टिकुलर और हर एक चीज क्या है आपका पूरा इधर बन जाएगा। क्या डेट, पहले से डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉर यू अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉर यू अमाउंट क्रेडिट कार्ड। अब सबसे पहली एंट्री हमारे पास क्या है, सबसे पहली एंट्री हमारे पास है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट आके हमने आइडेंटिफाई कर लिया बैंक है इस ट्रांजेक्शन में, तो बैंक है इस ट्रांजेक्शन में, तो बैंक डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है। कब की एंट्री भैया, 17 जून 2017 जून, और कई तारीख है, 8 तारीख है जून, ये डेबिट हो रहा है बैंक, तो बैंक डेबिट हो रहा है तो जो ट्रांजेक्शन होगा डेबिट साइड होगा। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, नीचे क्रेडिट में क्या दिया हुआ है, तो क्रेडिट में दिया हुआ है कैश अकाउंट दिया हुआ है। तो अब एंट्री कितनी हो जाएगी, 80,000 रुपये हमारे पास इधर एंट्री हो गई। अब हम अगले ट्रांजेक्शन में देखते हैं, तो जून 12 जून को हम देख पा रहे हैं कि बैंक फिर से इन्वॉल्व है, और बैंक इन्वॉल्व है यानी ट्रांजेक्शन होगा, और ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें बैंक डेबिट है या क्रेडिट है ये देखना है। तो देख पा रहे हैं कि बैंक यहाँ पे जो है क्रेडिट है, तो बैंक जब क्रेडिट है तो हम देख पा रहे हैं कि 12 जून को ये ऑफिस मशीन्स की वजह से क्रेडिट हुई है। तो हम जो एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, किसकी वजह से क्रेडिट हुई है वही एंट्री जानी है, तो बाई ऑफिस
मशीन्स, ऑफिस मशीन्स की वजह से हुई है, और कितना अमाउंट है इसका ऑफिस मशीन्स की वजह से, 20,000। फिर अगले इंटरव्यू में हम देख पा रहे हैं इसके जस्ट बाद 12 जून को एक और ट्रांजेक्शन हुआ है, नहीं सॉरी, इसके बाद 18 जून को एक और ट्रांजेक्शन हुआ है, वहां पे हम देख पा रहे हैं कि रेंट की पेमेंट की है चेक से, तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, बैंक क्रेडिट हुआ है यानी क्रेडिट साइड एंट्री होगी। तो बैंक जब क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, तो बैंक हमारा जो क्रेडिट हुआ है वो रेंट की वजह से हुआ है, तो बाई रेंट अकाउंट। और क्या ट्रांजेक्शन हो जाएगा, बाई रेंट अकाउंट में आपका 5,000 रुपये चला जाएगा। फिर अगली हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर अगला बैंक का जो इन्वायरमेंट का ट्रांजेक्शन है वो है सीधे 28 जून को, और बैंक यहाँ पे क्या हो रही है, 28 जून को डेबिट हो रही है। तो बैंक जब 28 जून को डेबिट हो रही है तो यानी एंट्री डेबिट साइड जाएगी, और बैंक किसकी वजह से डेबिट हुई है, तो बैंक डेबिट हुई है टू मोहित ब्रॉस की वजह से, ठीक, तो टू मोहित ब्रॉस अकाउंट की वजह से यहाँ पे डेबिट हुई है, और कितना हुआ है, 10,000 रुपये यहाँ पे ट्रांजेक्शन का अमाउंट है। अब हम देखिए कि हमारे पास ये चीजें आ गई हैं, अब हम देखते हैं कि टोटलिंग कितनी हो रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि डेबिट साइड 80,000 और 10,000, और क्रेडिट साइड में 20,000 और 5,000, यानी ये साइड ज्यादा है, तो टोटलिंग में यही साइड जाएगा। तो टोटलिंग में जब यही साइड जाएगा हमारे पास, तो हमारा जो ट्रांजेक्शन बन गया कितना, 80, 10, 90,000, 90,000 का टोटल हो गया, और 90,000 का टोटल हम इधर भी कर देंगे। अब जब 90,000 का टोटल कर दिया तो इधर, लेकिन क्रेडिट साइड में उतना तो है नहीं, तो क्रेडिट साइड में जब उतना है नहीं तो आखिरी दिन हम क्या करेंगे महीने के, इसकी बैलेंसिंग कर देंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब ये कितना होगा, तो हम देख पा रहे हैं 90,000 इधर हुआ है, और इधर 20 और 5 25 25,000 रुपये ही है, तो यानी 25,000 रुपये हम जो है 90,000 में से जब घटा देंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा, तो हमारे पास सीधे सीधे 65,000 जो है अमाउंट बचेगा, यानी ये हमारे खाते का बैलेंस शो कर रहा है, हमारा जो बैंक अकाउंट है उस बैंक में हमारे पास 65,000 रुपये होंगे अभी, ठीक, क्योंकि हमारे पास इधर मिला ज्यादा है और खर्चे कम हुए। इसी हिसाब से जो सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, जो जर्नल एंट्रीज हैं जितनी भी होंगी, वो ठीक इसी हिसाब से सारी एंट्रीज होनी है। तो कुछ जो इसके आप देख पाओगे कि जो इसी फॉर्मेट पे जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पे अभी दिख जा रहा है, क्योंकि एक एक अकाउंट अप कराना जो है कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है, आपके पास जो है सारे अकाउंट ये मिल जा रहे हैं, और आप सेम कॉन्सेप्ट से देख पाएंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया कि 4 स्टेप स्टार्टिंग में, उसी स्टेप पे आप देख पाएंगे कि सब चीज़ यहाँ पे फॉलो की जा रही है। थोड़ा टू और बाई का ध्यान दीजिएगा कि जो एनसीईआरटीज में नहीं दी है या बैलेंसिंग नहीं की हुई है वो फॉर्मेट यहाँ पे कंप्लीट कराया गया, लेकिन कौन सा अमाउंट डेबिट में जा रहा है क्रेडिट में जा रहा है वो आप पूरा यहाँ पे मैच करा पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिएगा।